मेरे साथ में निंजा 300, पहले वो 52,280 रुपीस था, वो 5,270 हो गया। तीन साल के बाद जब जीरो डेप इंश्योरेंस खत्म हो जाता है तो तब ये चीजें पता लगती हैं कि ओनरशिप कॉस्ट जो आफ्टर सेल्स की है वो क्या वैल्यू करती है। तो गाइज मैं हूं अभी ओरम कावासाकी और मेरे साथ में निंजा 300। तीन कलर्स हैं जो इस टाइम पे अवेलेबल हैं, तीनों के तीनों यहां पे खड़े हुए हैं। सो ये लाइम ग्रीन कलर है जो कि फेमस निंजा कलर है वर्ल्ड वाइड। सो ये अब की बार वापस आया है, थोड़ा सा डार्क कलर ये लोग यूज़ कर रहे थे पिछले वाले जो मॉडल था, मतलब पिछले साल का। तो एक ये ब्लू वाला कलर है, ये पिछले साल भी था, अभी भी अवेलेबल है। ये लाइम ग्रीन कलर है जो कि मुझे लगता है कि फ्लैगशिप कलर माना जाता है। उसके साथ में ये ग्रे एंड ब्लैक कलर है, तो जो थोड़ा सोबर कलर पसंद करते हैं वो इस पे जा सकते हैं, जो थोड़ा ठीक ठाक मतलब थोड़ा भड़कीला वो यहाँ पे जा सकते हैं, और जो बिल्कुल निंजा ही चाहते हैं तो वो इस पे जा सकते हैं। मतलब निंजा को वर्ल्ड वाइड इस कलर से ही पहचाना जाता है। सो चाहे वो 300 हो, चाहे वो 250 हो, चाहे वो 6R हो, चाहे वो निंजा 1000 हो, निंजा 1000 में शायद ये कलर नहीं आया, उसमें थोड़ा सा डार्क ग्रीन आता है। ZX6R, ZX10R के अंदर ये कलर रहा है हमेशा। तो ये थोड़ी सी पहचान है निंजा की, मतलब निंजा ओवरऑल जो रेंज है उसकी। तो अब बात करते हैं बाइक की, तो बाइक के अंदर वही इंजन है, वही स्पेसिफिकेशंस हैं, और मैं जो आज बात करना चाहूँगा वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगा, जैसे कि जो एक बायर अगर इस वीडियो को देख रहा है तो उसको क्या समझ में आए इस वीडियो को देख के क्या फ़ायदा हो। तो मतलब जनरल स्पेसिफिकेशंस तो नीचे आते रहेंगे, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करें। सबसे पहले बात करते हैं प्राइसिंग की, क्योंकि जेब से सबसे पहले पैसा जाता है जब हम मोटरसाइकिल खरीदते हैं। सो इस मोटरसाइकिल का जो शोरूम प्राइस है दिल्ली में वो है 2.98 लाख रुपीज़, और जो ऑन रोड ये मोटरसाइकिल हम लोग को मिलती है वो मिलती है 3.38 लाख। ये दिल्ली का प्राइस मैं बता रहा हूँ। तो ये हो गया प्राइस। सेकेंड चीज़ जो होती है इसके बाद में, प्राइस के बाद में, वो होती है फाइनेंसिंग। सो फाइनेंसिंग अगर आप कराते हो तो डाउन पेमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो काफ़ी लोग पूछते हैं, क्योंकि ईएमआईज क्योंकि वो स्प्लिट हो जाते हैं तो थोड़ा सा इजी हो जाता है, बट डाउन पेमेंट अगर छोटी रहे तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़। तो इस मोटरसाइकिल पे आपको जो डाउन पेमेंट है, अगर आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है और यू एक्चुअली हैव यू नो गुड क्रेडिट हिस्ट्री, तो आप सिर्फ 40-50 हज़ार रुपये दे के इस मोटरसाइकिल को लेके जा सकते हो। डिपेंड करता है, अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है तो मे बी आपको लाख से ऊपर भी देने पड़ जाएँ, बट 50,000 इज़ नथिंग व्हेन यू आर बाइंग अ बाइक लाइक दिस। और उसके साथ में जो ईएमआई ऑप्शंस हैं वो 7 साल तक आप ले सकते हो, 3 साल भी ले सकते हो, 5 साल भी ले सकते हो, 7 साल भी ले सकते हो। तो मतलब क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग मोटरसाइकिल्स हैं और ट्विन सिलेंडर स्मूथ मोटरसाइकिल्स, तो लोग रखते हैं इनको इतना लंबा। सो यू कैन टेक अ 7 ईयर फाइनेंसिंग और स्मॉल ईएमआई पे आप इस मोटरसाइकिल को ले सकते हो। सो ये चीज़ें हुई इंपॉर्टेंट चीज़ें जब आप बाय करने के बारे में सोच रहे हो। चलो अब आपने बाय कर लिया, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आफ्टर सेल्स। तो आफ्टर सेल्स की बात करें तो अभी रीसेंट टाइम्स आपने देखा होगा कि निंजा 300 का जो ओवरऑल जो मेंटेनेंस था वो काफ़ी कम किया गया था कंपनी की तरफ से। सर्विसिंग कॉस्ट की बात करें तो लगभग वो पहले भी अच्छी थी, अभी भी ठीक ठाक है, क्योंकि 6 महीने में और 6000 किलोमीटर के हिसाब से इस मोटरसाइकिल की सर्विसिंग होती है। जब आप 2 साल की वारंटी फिनिश कर लेते हो तो उसके बाद में अगर आप 6000 किलोमीटर ही चला रहे हो साल में, तो आप साल में एक सर्विस भी करा सकते हो, क्योंकि आउट ऑफ वारंटी बाइक ऑलरेडी है। वारंटी में आपको 2 सर्विस करानी पड़ती हैं साल में, पहले साल में वो 3 हो सकती हैं क्योंकि पहली सर्विस 1000 किलोमीटर पर होती है। और जो एवरेज कॉस्ट आती है सर्विसिंग की वो आती है ऑयल चेंज वाली सर्विसिंग, मैं पार्ट्स की बात नहीं कर रहा, जैसे आपको ब्रेक पैड की ज़रूरत पड़ गई या टायर्स की ज़रूरत पड़ गई, वो अलग चीज़ें हैं, वो कंज्यूमेबल्स हैं। तो हम लोग बात करते हैं जनरल ऑयल चेंज सर्विसिंग की, तो वो कॉस्ट करती है अराउंड 4.5 to 5,000 per 6,000 kilometers per 6 months। तो ये भी अगर देखा जाए तो इट्स नॉट बैड, इट्स रियली गुड। और
अब जब हम बात करते हैं ट्विन सिलेंडर मोटरसाइकिल्स की, जैसे जैसे सिलेंडर्स बढ़ते हैं मोटरसाइकिल की स्मूथनेस बढ़ती है, परफॉर्मेंस बढ़ती है, और ये चीज़ें हर कोई मतलब ये फैक्टर इन करता है जब कोई परचेज़ करता है। जैसे कुछ मोटरसाइकिल जो इससे कम्पीट करती हैं वो हैं सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल्स, और उनके अंदर वाइब्रेशंस हैं, इंजन उतना फास्ट ड्राइव नहीं करता, टॉप स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं है उन मोटरसाइकिल्स की, तो वहीं पर निंजा 300 बाजी मारती है। और जो ट्विन सिलेंडर ऑप्शन हैं वो निंजा 300 से कॉस्टली हैं, स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल्स की मैं बात कर रहा हूँ, मैं और किसी कैटेगरी की बात नहीं कर रहा। तो यहाँ पे निंजा 300 अपनी एक जगह सॉलिड वाली बनाती है, तो इस पे कोई दोराय नहीं है किसी भी तरह का। तो रीसेंट टाइम्स में जब चेंजेस हुए थे मोटरसाइकिल में, तो जैसे पहले मोटरसाइकिल में टायर्स थे जो थोड़े सोफिस्टिकेटेड यूज़ होते थे, IRC, मिशलिन एक्सेट्रा, सो वो कॉस्टली थे, तो कंपनी ने ओनरशिप कॉस्ट कम करने के लिए स्टॉक टायर्स जो डाले हैं MRF के, ज़ैपस डाले हैं इसके अंदर। सो यहाँ पे और लाइफ ज़्यादा है क्योंकि टायर से थोड़े से हार्ड कंपाउंड होते हैं कंपैरिजन में। सो क्योंकि हम लोग रोड्स पे राइड करते हैं, वी आर नॉट राइडिंग ऑन ट्रैक। तो अब बात करते हैं जनरल चीज़ों की कि मतलब कहाँ पे ये मोटरसाइकिल अपने आप को जस्टिफाई करती है जब हम कंपेयर करते हैं। सबसे पहले ट्विन सिलेंडर, फास्ट ड्राइविंग इंजन, हाई टॉप स्पीड और उनके कंपैरिजन में स्मूथ ऑपरेशन, उसके साथ में एक अच्छा साउंड। अगर आप एग्जॉस्ट भी अगर मोटरसाइकिल में लगाते हो, अभी मैं आपको सुनाऊंगा एक GPR का एग्जॉस्ट लगा हुआ भी मोटरसाइकिल में, जिससे कि आपको पता लग सके कि एक ट्विन सिलेंडर मोटरसाइकिल किस तरह का साउंड करती है। सिंगल सिलेंडर्स का आपको पता है कि थोड़ा सा उतना ज़्यादा स्वीट साउंड नहीं होता सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल्स का। तो अब मैं कुछ पार्ट्स के प्राइसेस बताता हूँ आपको, जिससे आपको पता लग सके कि पहले निंजा 300 उन पार्ट्स की क्या कॉस्ट हमें पड़ती थी और अब हम किस लेवल पे आ चुके हैं। और उसके बाद में फिर हम एक कंपैरिजन भी करेंगे इस सेगमेंट की एक मोटरसाइकिल से इसके साथ में। सो लेट्स गो, आई हैव अ पेपर विद मी। सो पहले जो निंजा 300 थी उसका जो क्लच केबल था, That used to cost 1860 rupees, मतलब 1860, और अब ये कॉस्ट करता है सिर्फ 250 rupees। तो मतलब जिन चीज़ों मैंने देखा अराउंड, इट्स अराउंड 8 to 10 टाइम्स लोअर देन अर्लियर। सो उसके साथ में थ्रॉटल केबल ओपनिंग है वो 1950 से सीधा 330 आ गई है, उसके साथ में थ्रॉटल केबल क्लोजिंग जो है वो 1950 से 290 आ गई है। सो ये थ्रॉटल के अंदर के मॉड्यूल्स हैं, केबल्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। उसके बाद में फ्रंट ब्रेक पैड्स जो पहले थे वो आते थे 2790, अब 780 क्योंकि ब्रेक्स इसमें एंड्यूरेंस वाले आ चुके हैं। उसके साथ में रियर ब्रेक पैड्स की भी सेम कॉस्ट है, पहले रियर की भी सेम थी, अब भी रियर की सेम है, तो नाउ इट्स फ्रॉम 2790 इट्स 780। उसके साथ में ब्रेक लीवर पहले 900 का था, अब 440 का है। क्लच लीवर पहले 1480 का था, अब 650 का है। उसके साथ में फ्रंट टायर जो पहले IRCs आते थे, वो फ्रंट था 10610 का, अब 2690। उसके साथ में रियर टायर जो था पहले 17240, अब ये 4280 हो गया है। उसके साथ में काउलिंग जो राइट साइड की जो प्लास्टिक पैनल्स की मैं बात कर रहा हूँ, फेयरिंग्स की, पहले वो 52,280 रुपीस था, वो 5,270 हो गया, मतलब सीधा सीधा 10 टाइम्स लो। उसके साथ में लेफ्ट साइड भी एग्जैक्टली सेम। उसके साथ में टर्न सिग्नल्स की बात करें, पहले 2780 का, मतलब 2780 रुपये का एक सिग्नल था इंडिकेटर, अब 470 रुपीस का वो इंडिकेटर है। उसके साथ में फ्रंट व्हील असेंबली जो है, मतलब अलॉय व्हील की मैं बात कर रहा हूँ, वो पहले 44,970 का था, वो 5,920 का हो गया है। उसके साथ में रियर व्हील जो था वो पहले 48,180 का था, वो 7,330 का हो गया है। एंड जो फ्रंट डिस्क प्लेट थी वो पहले 28,460 की थी, वो 2100 की हो गई है, और रियर डिस्क जो थी वो 19,020 की थी, वो 2310 की हो गई है। तो मतलब यार इतना डिफरेंस आने के बाद में अब होता क्या है कि जैसे जैसे इन बाइक्स की अगर हम बात करें, मुझे पता है मैंने फेस किया है, तो होता क्या है कि जितने ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड पार्ट्स मोटरसाइकिल में लगते चले जाते हैं, उसके बाद में क्या होता है कि वी नीड टू गेट जीरो डेप इंश्योरेंस ऑन दिस मोटरसाइकिल्स। और बाद में होता क्या है कि एक्सीडेंट के बाद में जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो बहुत परेशान करती हैं, क्योंकि पार्ट्स की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है और उनको इंश्योरेंस क्लेम देने में, क्योंकि कंपनीज प्रॉफिट पे चलती हैं और ये बाइक्स जितना ज़्यादा खर्चा करेंगी एक्सीडेंट के बाद में, तो दे विल हैव इश्यूज विद दैट। तो ये जब पार्ट्स की कॉस्ट इतनी कम हो जाती है, मान लीजिए आपकी बाइक में छोटा सा डैमेज हुआ, आपको इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं लेना, आपको लगा कि ब्रेक लीवर टूट गया, तो आपको ब्रेक लीवर 500 रुपये में 600 रुपये में ब्रेक लीवर मिल रहा है। तो मतलब ये चीज़ें आसान बनाती हैं ओनरशिप को। और तीन साल के बाद जब जीरो डेप इंश्योरेंस ख़त्म हो जाता है, तो तब ये चीज़ें पता लगती हैं कि ओनरशिप कॉस्ट जो आफ्टर सेल्स की है वो क्या वैल्यू करती है। मैं कह सकता हूँ कि ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई थी जब निंजा 300 में ये चेंजेस आए थे। और आपको लगता है कि आपको टायर्स ग्रिपी चाहिए, तो यू हैव ऑप्शन, आप
मिशेलिन के टायर डाल सकते हो, पिरेली के टायर डाल सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू. मतलब जो बेस है आपको ऑलरेडी वैल्यू फॉर मनी बेस मिल गया है, यू कैन प्ले विद दैट, और उसके बाद में आप कितना भी और एक्सेसराइज कर सकते हो मोटरसाइकिल को. बेसिक जो चीज़ें हैं मोटरसाइकिल में बिल्कुल सही हैं, ओवरऑल मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो गया है. अब मैं इसको कंपेयर करूँगा अपाचे RR 310 से और चेक करते हैं, क्योंकि जो अपनी निंजा 300 है वो अराउंड 40 PS मतलब 39 PS जनरेट करती है पावर, और ट्विन सिलेंडर है, और उसके साथ में TVS जो है अपनी RR 310 वो सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल है. तो अब इसमें अगर हम बात करें कुछ पार्ट्स की अपाचे RR 310 में, तो वो किसी भी तरह से इस मोटरसाइकिल के आसपास नहीं पहुंच पाती. जैसे उसका क्लच लीवर है वो 865 का है, ब्रेक लीवर 980 का है, इंडिकेटर्स 1080 का एक है, रियर ब्रेक पैड्स 1050 के हैं, फ्रंट ब्रेक पैड्स 2236 के हैं. हाँ, ये हो सकता है उन्होंने जिस कंपनी के कैलिपर्स यूज़ किए हों वो डिफरेंट हों, उनकी बाइक डिफरेंट हो, बट ओवरऑल अगर आप ओनरशिप की बात करते हो तो नथिंग बीट्स निंजा 300 राइट नाउ. और ये वीडियो मैं एक साल से बनाना चाह रहा था, बस प्लान नहीं कर पा रहा था मैं, तो आज मुझे लगा कि शायद ये वाली इन्फॉर्मेशन मैं ज़रूर दूं आप लोग को. तो आई होप यू गॉट एन आइडिया कि निंजा 300 को अब इस टाइम पर ख़रीदना कितना आसान है, और उसके साथ में उसको लॉन्ग टाइम रखना कितना आसान है, क्योंकि 7 ईयर्स का फाइनेंस अगर कोई लेता है तो 3 साल बाद उसके 0 डेप इंश्योरेंस ख़त्म हो जाएंगे. उसके बाद में मान लीजिए कुछ छोटी मोटी हैपनिंग होती है तो यू कैन इजीली मैनेज इट, बिकॉज फेयरिंग्स बहुत सस्ती हैं, लीवर्स बहुत सस्ते हैं, पैडल्स बहुत सस्ते हैं, ब्रेक पैड्स बहुत सस्ते हैं. सो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बायर को बहुत ज़्यादा सीरियसली कंसिडर करनी चाहिए जब वो एक बाइक को लॉन्ग टर्म यूजर्स के लिए ख़रीदता है. सो आई होप आप लोग को एक अच्छा खासा आइडिया मिला होगा आज निंजा 300 के बारे में, और जो लोग इसको ख़रीदना चाह रहे थे उनको एक ओवरऑल फाइनेंसिंग से लेके, चाहे प्राइसिंग से लेके, चाहे ओनरशिप से लेके, चाहे फिर आफ्टर सेल से लेके, हर चीज़ का इस वीडियो से आइडिया मिला होगा. अब एक चीज़ जो है, ये जो हमारा चैनल है DCV, दिस इज़ कवरिंग 400 up to 400 cc motorcycles, and if you are actually interested into super bikes then go to DCV big bikes. Link is given in the description, so go to that channel if you want motorcycles bigger than 400 cc, or up to, I mean, anything, any sophisticated motorcycle, it will be on DCV big bikes. Aur yahan pe hum log cover karenge up to 400 cc motorcycles, aur unke andar, in videos ke andar hum puri koshish karenge ki aapko jitni zyada information di ja sake, overall practicality, overall जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, चलती हुई बाइक देखना इज़ अ डिफरेंट थिंग आई नो, बट दीज इन्फॉर्मेशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब आप एक मोटरसाइकिल को खरीदना कंसीडर कर रहे हो. सो आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी नीचे आ रहा है, इफ़ यू वॉन्ट यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. उसके ऊपर अभी रेगुलर अपडेट शुरू होंगे, आई वॉज नॉट डूइंग दैट मच ऑन दैट हैंडल अभी, तो वी विल ट्राई टू एक्चुअली मेक इट अप एज वेल. वी विल डू लॉट ऑफ अपडेट्स, जहाँ पे भी मैं जाऊँगा आई विल पुट अपडेट्स कि आज क्या शूट हो रहा है, सो दैट यू कैन गेट इन टू दी यू कैन से शूटिंग. सो आई होप यू गॉट एन आइडिया अबाउट दिस मोटरसाइकिल, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डू कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन, डू लेट मी नो अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन मैंने मिस किया है, यू वांट टू नो समथिंग एल्स, एंड कीप वॉचिंग DCV गाइज. बाय बाय.